Recording in progress. हाँ स्टूडेंट बताइए, लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ था बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ था बताइए। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सर, लैब प्रोसेस। अच्छा लैब प्रोसेस, लैब मेथड। ओके लैब मेथड में मैंने आप लिखाया होगा ZN का रिएक्शन NaOH के साथ और ZnHCl के साथ। थैंक यू। चलिए सेकंड मेथड लिखिए विच इज कॉल्ड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड इसमें ए पार्ट ये है, मेरे साथ साथ लिखिए, ये सब आसान है। लिखिए डाई हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। Of water in the presence of acid or base. तो आपको मालूम है कि जब H2O लिक्विड होता है और एसिड बेस के प्रेजेंस में इसलिए देते हैं कि वो आयंस में आसानी से ब्रेक हो जाए। तो ये H प्लस है और आप 12th पास आउट हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, याद है सबको, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, याद है सबको, हाँ या ना? यस सर। एड कैथोड where reduction takes place. तो ये क्या हो जाएगा, 2H plus दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये है एक तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस से ऑप्टेन करना, ठीक है, और इसको मेन रिएक्शंस के फॉर्म में ऐसे लिखा रहता है। ये आपने थर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 2H2O दो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा लिक्विड तो H2 प्लस 2OH माइनस बनेगा। यही H2 कैथोड पे बनता है, जो मैंने अलग से समझा दिया आपको। कमर्शियल प्रिपरेशन में पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सा प्रोसेस है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। गुड, अब इसी कमर्शियल प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट लिखिए। अच्छा ए लिखा था तो बी लिखिए के लिखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
हाई प्योरिटी का मतलब 99.95% ऑफ H2 गैस। आराम से बैठें बिहारी लोग, खटपट ना करें। इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ BS2 याद रखिए, हाई प्योरिटी ऑफ H2 इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ BS2। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, 12th पास आउट है, याद है जब इलेक्ट्रोलिसिस आपने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में पढ़ा था, जब हम करंट पास करेंगे तो ये Ba+2 और 2H- में ब्रेक होगा, और एक्वस है तो वाटर भी जाएगा, याद है ना? क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ ये सब आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, समझा? तो H2O जो है वो H+। अब देखिए, कैथोड पर ये भी जाएगा और कैथोड पर ये भी जाएगा, लेकिन याद रखिए SRP जो होता है वो H+ का, SRP का फुल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं ना 12th में, हेलो एवरीवन। यस सर, हाँ वेरी गुड। SRP ऑफ Ba+2 से ज्यादा होगा, जिसका SRP ज्यादा होता है वही प्रीफर्ड होता है कैथोड पर। डिटेल में तो आप पढ़ेंगे अभी दोबारा, ऐसे ये 12th में पर प्रीफर्ड एट कैथोड। यस सर, हाँ तो बस वही कैथोड पर जाएगा तो फिर वही रिडक्शन होगा, तो H2 गैस। तो ये आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हाई प्योरिटी अगर हमें बनाना हो तो कौन सा रिएक्शंस करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BS2, ये याद रखें। तो 2H, एक मिनट रुकिएगा तब लिखिएगा 2H+2E। अब देखिए यही H2 आपको कैथोड पर जाएगा। यह देखिए, इतने सारे लोग हैं ना? Yes, sir. चलिए, तो ये था हाई प्योरिटी। नेक्स्ट जो है आपके, इसी कमर्शियल मेथड में सी पार्ट लिखिए। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर। सी पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, H2 गैस इज प्रिपेयर्ड by the reaction of hydrocarbon। ये organic में भी alkane वाले chapter में NCERT में मिलेगा, और यहाँ भी है आपके पास alkane chapter में, आप देखिएगा hydrocarbon with steam at high temperature।
स्टीम का मतलब ही हुआ कि आप हाई टेम्परेचर के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. निकलिया बोलिए सर. कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट है यहाँ पे? क्या हुआ? कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट है? अभी है, अभी यहाँ पर लिखेंगे ना, रुको ना, अभी रिएक्शन में वो कैटलिस्ट का, वो कैटलिस्ट का नाम निकिल है, अभी लिखेंगे, अभी रुक जाइए. एस टू गैस स्पेसिफिक ही है यहाँ पर. हाँ आप जो रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी रिएक्शन लिखने दीजिए. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए. ठीक है, अब देखिए आपने सही पूछा, कैटलिस्ट का नाम भी पूछेगा आपसे. यहाँ देखें, जनरल फार्मूला है, देखिए CnH2n plus 2, this is alkane, कि आपको बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टीम का मतलब वाटर है, ऑब्वियसली ये गैस के फॉर्म में होगा. 100 या 100 से ज्यादा देते तो यहाँ तो बहुत ज्यादा है, 1270 केल्विन. और निकिल कैटलिस्ट का नाम याद रखिएगा. सुना सारे लोग? तो जनरल फार्मूला याद रखिए, NCO plus 2N plus 1S2, इससे बैलेंसिंग में आसानी होगी. मतलब ये है, सारे लोग ध्यान दें, इधर CH4 है, आपको स्टीम के साथ कह देगा, या स्टीम ना भी लिखे, 1270 केल्विन और निकिल से आप समझ जाइएगा ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, स्टीम है. टेम्परेचर देखिए बहुत ज्यादा है, तो देखिए N की वैल्यू 1 है. पहले तो आप CO और H2 गैस लिख दीजिए. N1 है, N1 है, 2N1, 3, दिस इज बैलेंस. बोलिए, आया समझ में? हेलो. यस सर. यस सर. हाँ आपको सीट, हाँ ये रिएक्शंस के फॉर्म में भी याद रखिए, C2H6 है, 1270 केल्विन है, निकिल है, देखिए एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2H2 कर दीजिए, यहाँ एन है तो 2CO कर दीजिए, एन की वैल्यू 2 है तो 2 2 4, 5H2O कर दीजिए. देखिए एकदम और एकदम फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा. तो देखिए H2 गैस बन रहा है यहाँ. कोई डाउट एवरीवन? कोई डाउट? नो सर. हाँ एक मिनट रुकिएगा, तब लिखिएगा, रुक जाइए. इसी से ये बात साबित हुई, इसी के नीचे यहाँ जो H2 गैस आया, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज कॉल्ड, आपने सुना होगा, वाटर गैस कहते हैं. क्या कहते हैं? वाटर गैस. वाटर गैस का जनरल कोई भी कहे वाटर गैस क्या होता है, तो कहिए CO और H2 का मिक्सचर होता है. हेलो एवरीवन. यस सर. अरे बोलिए ना सब लोग, तो बोलिए कुछ ना कुछ तो बोलिए. यस सर. यस सर. हाँ स्टीम के साथ, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन. लिखिए सारे लोग. अच्छा पिछला स्लाइड लिख लिया था ना आप लोगों ने, ये लिख लिया था ना? यस सर. तो एक तो यहाँ पर कैटलिस्ट का नाम याद रखिए और टेम्परेचर भी याद रखिए. क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपसे पूछ देगा पासिंग स्टीम, थोरो रेड हॉट कॉक, सैचुरेटिंग, यानी इस तरह का चार ऑप्शन दे देगा. तो आपको याद रखना है कि एल्केन विथ स्टीम, हाइड्रोकार्बन विथ स्टीम कोई नाम दे देगा. समझ रहे हैं सारे लोग? तो ऐसे भी पूछ सकता है वाटर गैस कैसे प्रोड्यूस्ड होता है.
लिख दिया पूरी। डन सर। बहुत अच्छे आदमी। और लोगों ने लिख लिया? सारे लोग बताइए। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए, देखिए इसके बेसिस पर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इस प्रिपरेशन के बेसिस पर। नीचे आप लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा, इसी प्रिपरेशन ही का एक पार्ट है कोल गैसिफिकेशन। देखिए जब पढ़िएगा तो आपको बहुत, जहां तक पढ़ाया गया था वहां पढ़ लिया है ना आप लोगों ने। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कोल गैसिफिकेशन का मामला भी सिमिलर है। देखिए प्लीज सुनिए, हाइड्रोकार्बन का जब आपने स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो वही CO(NH2) बना। गौर से सुने, लिखिएगा नहीं अभी। अगर हम हाइड्रोकार्बन की जगह कोक रख दें, कार्बन यानी कोक रख दें, इसका भी स्टीम के साथ कराएं और निकिल और वही 12, तो इसमें भी वही बनेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा कोल गैसिफिकेशन। तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस बनाने का एनादर मेथड हुआ कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की जगह हॉट ओक रख दें तो इससे भी बनेगा। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। तो यस सर। हाँ, तो इस रिएक्शंस का नाम है कोल गैसिफिकेशन। हेलो एवरीवन। अच्छा अभी तो टॉपिक, अभी रुक जाइए, टॉपिक तो ना लिखा है आपने कोल गैसिफिकेशन? लिख लिए सर। हाँ तो लिख लिया तो बिहारी होना। तो एक एक नोट पहले लिखिए, एक लाइन नोट लिखिए पहले मेरे साथ साथ लिखिए, द मिक्सचर ऑफ, एक नोट लिखिए द मिक्सचर ऑफ, फिर हम कोल गैसिफिकेशन पढ़ाएंगे। मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस विच इज कॉल्ड वाटर गैस इज यूज्ड फॉर द, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होता ही है लेकिन इसके अलावा फॉर द सिंथेसिस ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल भी बनाया जाता है इससे, CO+H2 से एंड लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसीलिए देखिए एक नया चीज आएगा, देयरफोर दिस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड, इज आल्सो कॉल्ड सिन गैस। कौन सा गैस जल्दी बोलिए? सिन गैस। सिन गैस या दूसरा नाम सिंथेसिस गैस। तो अब तीन नाम आपको याद रखना है मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट। CO+H2 को वाटर गैस भी कहेंगे, सिन गैस भी कहेंगे, सिंथेसिस गैस भी कहेंगे। सिन गैस की वजह ये मैंने नोट में लिखा दी। सुना सारे लोग? हाँ, यानी इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं इसलिए इसका नाम सिंथेसिस गैस पड़ा, सिन गैस पड़ा। हेलो हेलो एवरीवन, आ रहा है ना समझ में? कुछ तो बोलिए। यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। कुमार तुम्हारे यहां मैंने फोन नहीं किया है तुम्हारे रिक्वेस्ट पर, अब अगर टेस्ट नहीं दोगे तो मैं फोन कर दूंगा। कुमार जी सुन रहे हैं? हाँ थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। आप टेस्ट दें, ये थैंक यू नहीं है, ये मैं, हाँ ये समझिए कि मैं आपका दुश्मन बन गया। मुझे कहना चाहिए तभी मैं आपका दोस्त रहता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कहा, ये आप ही के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आप टेस्ट दिया करें या सारे स्टूडेंट,
जो टेस्ट के दिन बीमार पड़ते हैं और साइमल्टेनियसली बीमार पड़ते हैं, जैसे एक एफबी नाम का दो दोस्त है फेसबुक नाम का, एक का नाम एफ एक का नाम बी है, फेसबुक वाले हैं, वो साइमल्टेनियसली बैठते हैं, वो दोनों साइमल्टेनियसली बीमार पड़े, ऐसी दोस्ती है, ये सब बहाना वहाना मत तलाशें, समझा? टेस्ट नहीं देंगे, यही दोनों यही एफबी नाम के दो स्टूडेंट हैं जो शुरू में कोचिंग वाले को परेशान किए थे, सर कंबाइंड टेस्ट होगा ना, कब होगा, क्या होगा, जो ज्यादा बोलता है ना वही टेस्ट में नहीं आते हैं। एफ बी नाम के दो दोस्त हमारे सेक्शन में है, इशारा काफी है, मैं शॉर्ट फॉर्म बना ही दिया हूँ फेसबुक। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, समझ में आया सबको ये वाला लाइन? यस सर, यस सर, यस सर। अब आप टॉपिक डालिएगा, इसी प्रिपरेशन का पार्ट है, कूल गैसिफिकेशन। पहले एक सारे लोग माइंड में लाइए, कूल गैसिफिकेशन केमिस्ट्री में जब भी हो, इतनी दफा पढ़ लीजिए कि कूल गैसिफिकेशन जब भी होगा तो हम समझ जाएं हाइड्रोजन गैस बनाने का एक मेथड है। दिमाग में आया? हाँ जाना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ अब आइए, इसमें क्या बोलना है लिखिए मेरे साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, ऑब्वियसली इसमें भी वाटर गैस बनेगा, वाटर गैस का मतलब ही हुआ कि हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है, वाटर गैस बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम with coke is called coal gasification। देखिए यहां भी क्या है, coke को रख दिया गया, हाइड्रोकार्बन को भी स्टीम के साथ करेंगे निकिल कैटलिस्ट के साथ तो वाटर गैस बनेगा, कोक को भी करेंगे कार्बन सॉलिड को भी स्टीम के साथ करेंगे, वही टेम्परेचर है और वही निकिल है तो इसमें भी CO गैस और H2 गैस आएगा, ये बात याद रखें। हेलो एवरीवन, तो कोल गैसिफिकेशन समझ में आया सबको? इसी को वाटर गैस कहते हैं, इसी को सिन गैस कहते हैं, इसी को हम सिंथेसिस गैस कहते हैं। अब आइए, और ऐसे तो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, ये भी याद रखिए, हाइड्रोजन कूल गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया गया इसको हम बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? बॉश प्रोसेस कहते हैं। सुना सारे लोग? हाँ या ना? एक्स्ट्रा याद रखिए, कोल गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ उस प्रोसेस का दूसरा नाम भी है बॉश प्रोसेस, ये आप याद कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ें। जी सर। अब आइए, एक आपके पास है इसी प्रिपरेशन का एक पार्ट है, उसका नाम से अलग अलग से मैं लिखा रहा हूँ, वाटर शिफ्ट रिएक्शन। इसका प्रिपरेशन सब इम्पोर्टेंट है, वाटर शिफ्ट रिएक्शन इसका क्या मतलब होता है, पहले टॉपिक डालें वाटर शिफ्ट रिएक्शन। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. देखिए कुछ नहीं है, यहाँ देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये अगर हम देखिए वाटर गैस जो बना अभी तक, जो वाटर गैस बना उसमें CO और H2 था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, हाँ, इसमें से CO निकाल दिया गया, CO, और उसका फिर स्टीम के साथ रिएक्शन किया गया। मेरी बात देखिए, अभी तक सिर्फ स्टीम आ रहा है, हाइड्रोकार्बन स्टीम वाटर गैस, कोक विथ स्टीम वाटर गैस, वाटर गैस से CO निकाल के फिर वाटर गैस के साथ रिएक्शन कराइए,
और यहाँ पर आयरन क्रोमेट। सर क्यों इसका क्या मकसद था, तो गौर से सुनिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द डाइहाइड्रोजन गैस इन लार्ज स्केल, इसलिए नाम है वाटर शिफ्ट रिएक्शन। लार्ज स्केल में अगर बनाया गया बनाया जाए और उस वाटर गैस के CO का रिएक्शन स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट के साथ करा दिया जाए, इससे भी H2 गैस बनता है और इसी को कहते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। हाँ, अगर ना समझ में आ रहा है तो देखिए द प्रोसेस ऑफ, डिफिनेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, लिखिए द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन या द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन इन लार्ज स्केल by the reaction of CO, CO कहां से आया? From water gas with steam in the presence of catalyst आयरन क्रोमेट। इस कॉल्ड वाटर शिफ्ट रिएक्शन। वाटर शिफ्ट में भी हाइड्रोजन ही गैस प्रोड्यूस हुआ। सुना सारे लोग? हेलो, सुन रहे हैं ना? हेलो, वाटर शिफ्ट। हाँ, वाटर शिफ्ट में भी हाइड्रोजन ही गैस बनेगा, लेकिन लार्ज स्केल में बनेगा। यस सर। इसलिए तो बताइए। यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स। इसका रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। तो देखिए CO गैस था प्लस यही स्टीम था, आयरन क्रोमेट (673 Kelvin) CO2 गैस प्लस H2 गैस, इसी को वाटर शिफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। पहले फिर से एक दफा बताइए, पिछला स्लाइड सब लोग लिख लिए थे, जल्दी बताइए। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस तो है ही है ना? शायद नहीं है। कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सुनिएगा अच्छे से, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं कि कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है। यहां देखते हैं, वो CO प्लस H2 लिखेगा। ये वाटर गैस है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग मिलके। यस सर। हमने तो बेसिकली लाइन को पढ़िए, उन्होंने CO वाटर गैस से लिया, वो क्या करेगा, ये पूरे को ऐसे एरो के ऊपर लिख देगा। यहाँ देखेंगे वही 673 Kelvin वाटर, वही स्टीम, और 673 का मतलब ये वाटर 100 से ज्यादा है, 100 यानी 373 से ज्यादा है, और आयरन क्रोमेट की जगह ये लिख देगा Fe2O3 प्लस। तो चिल्लाइएगा मत, देखिए इसको आप रिएक्ट कराएंगे तो FeCr4 बनता है। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं।
में भी यही बनेगा। तो बेसिकली इस तरह लिखे या इस तरह लिखे बतवा बराबर है। कॉम्पिटिशन जान बुझ के नॉर्मल रिएक्शंस को चेंज करके भी पूछ सकता है, तो इसी को कहते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन। आया समझ में? यस सर। कौन हंगामा कर रहा है भाई दत्त? ए बिहारी लोग सही से बैठना रे। एक मिनट रुको, ये कौन बिहारी को मैं रिमूव कर दूं? ये सना फरीन के यहां से है। चलिए बताइए, आया समझ में? यस सर। ठीक। एक रिएक्शन जो आप 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं उसको भी लिख ये तो देखिए, एक मिनट सुनिए सारे लोग, दो मिनट में मैं रिवीजन करा देता हूँ, गौर से सुने हम लोगों ने। देखिए अब हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन का एक मेथड था, लैब मेथड जो था वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए या BaS2 का भी BaS2 एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा एक याद आ गया मुझे, चलिए एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट, अच्छा रहने दीजिए, रुकिए रुकिए पहले समझा देता हूँ। याद देखें तो ये आपको हो गया कि एक्वा सॉल्यूशन, इसका भी हाइड्रोलिसिस 99% प्योर करना है तो हम BS2 aqueous solution का electrolysis कर देंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में तीन आपको बातें याद रखनी है, तीन बातें, हाइड्रोकार्बन विथ स्टीम, CO plus H2 बना, वाटर गैस कहेंगे, टेम्परेचर 12°C लेकिन। तो ये हो गया आपको हाइड्रोकार्बन का, ये भी हो गया कि अगर हाइड्रोकार्बन की जगह कोक ले लें और स्टीम ही लें 12°C लें तो CO+H2 हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं कूल गैसिफिकेशन। तीसरी बात हुई कि यही वाटर गैस से CO का रिएक्शन, अगर हम स्टीम, देखो लगातार तीन स्टीम है, अगर यहाँ पर हम आयरन क्रोमेट करके साथ करा दें तो यहाँ लार्ज स्केल में हाइड्रोजन गैस बनता, तो ये तीनों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हुआ या कमर्शियल प्रिपरेशन हुआ। हाँ कोल गैसिफिकेशन को हम बॉश प्रोसेस भी कहते हैं, क्या याद हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जल्दी बताइए। हाँ यस सर। तो एक है देखिए, एक हाँ एक तीसरा था ना, ये तीसरा या चौथा जो भी हो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, लेन प्रोसेस, ये मत समझिएगा कि ये टफ है, आप 9th में नहीं पढ़ा। देखिए आयरन का रिएक्शन, आयरन जो होता है वो नॉर्मल वाटर के साथ नहीं रिएक्शन करता, आयरन भी तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, बोलिए हाँ या ना, ये तो लखमीर सिंह मंजीत कौर में भी तो पढ़ा होगा। हेलो यस सर। या तो इसी को लेन्स प्रोसेस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस इससे भी बनाया जा सकता है। तो लेन प्रोसेस में नीचे लिखिए, इन दिस प्रोसेस स्टीम, लगातार स्टीम की बातें को मैंने एक साथ लिखाया है, स्टीम इज पास्ड और हॉट आयरन to produce dihydrogen gas. तो आपके पास आयरन है, वाटर गैस यानी स्टीम है, आपके पास 1072 केल्विन है, तो Fe3O4 बनता है, इसको हम लेन प्रोसेस कहते हैं। 3 है तो 3 कर दीजिए, 4 है तो 4 वाटर कर दीजिए। बताइए कोई भी पूछे लेन प्रोसेस किसका बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर।
ठीक तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस अब आइए सर हाँ बोलिए बोलिए सर एक्वस NaCl से तो सर हाँ उससे भी अब बनने के लिए बहुत सारा हाइड्रोजन बन मैंने पिछली क्लास में बताया था अब तो अभी तुम पढ़ोगे रिएक्शन सब मेटल का रिएक्शन किसी के साथ भी होता तो बनता है अरे बोलो ना हाँ तो बनाने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl भी कर दीजिए ठीक है बहुत सारे प्रोसेस हैं अब हाइड्रोजन गैस तुम अभी पढ़ोगे मेटल का NOH के साथ रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन सब में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl भी कर सकते हैं समझा और NaCl ये तो वही वही वाला मेथड हो गया ना ट्वेल्थ में जो पढ़े थे क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट NaCl में भी आपको कर सकते हैं एक्वस NaCl का ओके सर अब आइए अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप रिएक्शंस के फॉर्म में ऐसे तो आपको मालूम है कैसे रिएक्शन होता है ये एक्वस है सॉलिड फॉर्म में नहीं है 2H2O लिक्विड ले लीजिए समझा कि नहीं तो Cl2 गैस बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा और वाटर के अंदर NaOH हो जाएगा सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन आफ्टर हाइड्रोलिसिस अब आइए इसके बारे में नेक्स्ट लिख लिया सारे लोग हैं ना Yes, sir. अब ये properties of dihydrogen gas. Any problem? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. पहला प्रॉपर्टी सब लिखिए इट इज कलरलेस टेस्टलेस अदरलेस कोई मार्क नहीं ये होता है ये सब लाइन इनऑर्गेनिक में किसी के पास लिखा हुआ तो ये सबको याद रखिए कहेगा विच स्टेटमेंट इज टू ये सब चीजें नॉट ओनली हाइड्रोजन कहीं पर भी इनऑर्गेनिक में ये सब लिखा हो जैसे आपने जो ट्वेल्थ में से पढ़े हैं ये सब चीजें लिखाई गई थी अमोनिया के बारे में पॉइजनस कलरलेस इस तरह की बातें ये सारी बातें आपको याद रखनी इट इज लाइटर देन एयर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा आपको लगेगा ही नहीं कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं इट इज लाइटर देन एयर दूसरा ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना 1s1s से ओवरलैपिंग करके बनता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए सिंगल बॉन्ड एच H2 इज अनरिएक्टिव ये इनर्ट होता अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा इट बिकम्स रिएक्टिव It becomes reactive at high temperature in the presence of catalyst. इसलिए तो बताइएगा. इसलिए dihydrogen is chemically inert. बोलिए ना
डन सर वेरी गुड और लोगों ने लिख लिया बताइए साइंटिस्ट लोग यस सर बहुत अच्छे आदमी हैं आप एक लाइन लिख लीजिएगा इट फॉर्म्स हाइड्राइड with many metals and non-metal. इसलिए next topic हम लोग hydride ही करेंगे non-metal. लिख लिया यस सर यस सर अब आइए कि टॉपिक डालिएगा टाइप्स ऑफ हाइड्राइड तो एक प्रॉपर्टीज ये भी लिख लीजिएगा ये जगह खाली है एक जगह खाली है नो सर यस सर है एक लाइन भी नहीं खाली तो ऐसा बोलता है नो सर सर है एक लाइन हाँ इट इज इन सोलोबल इन वाटर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि नॉन पोलर है नॉन पोलर पोलर में उतना ज्यादा सोलोबल नहीं होता इट इज इन सोलोबल इन वाटर एंड अच्छा एक और लिखी लीजिए एक जगह इट इज इसका कंबशन किया जा सकता है कंबस्टिबल गैस ये सब प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन सब दे सकता है इट इज इनसोलुबल टेस्टलेस अदरलेस कलरलेस कंबस्टिबल गैस लाइटर देन एयर इनसोलुबल इन वाटर चलिए हाइड्राइड में आइए लिख लिया यहाँ तक सारे लोग अब आइए इसमें तीन हाइड्राइड होते हैं सबसे पहला जो हाइड्राइड होता है इधर देखें सारे लोग आयोनिक हाइड्राइड आप देखिए आयोनिक हाइड्राइड कौन होते हैं सुनिए अच्छे से एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना वो हाइड्राइड बनाते हैं जैसे एल आई एच सोडियम एच तो इसलिए आयोनिक होते हैं मेटल नॉन मेटल हाँ अगर यहाँ पर एक स्टोन मौजूद होगा तो वो हाइड्रोजन को मेटल कह देगा याद है ना वो कौन कहता है हेलो एवरीवन यस सर यस सर यस सर हाँ आयनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम है स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड सॉल्ट लाइक हाँ सॉल्ट वही है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है या इसको तीसरा नाम है सलाइन हाइड्राइड सारे नाम याद रखें तो ये हाइड्राइड जो होता है ना दिस हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय most of s block element तो s block element के hydride को ionic hydride कहते हैं s block में कौन कौन element है आपको मालूम है is called ionic hydride या ionic नहीं formed by s block बताओ ionic hydride कौन से block के element बनाएंगे जल्दी बताओ s block ठीक आगे बढ़े जल्दी बताइए सारे लोग yes क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ एक मिनट हाँ कोई बात नहीं लिखिए लिखिए
ओके सर. देखिए चूंकि ये आयनिक हाइड्राइड है तो आयनिक हाइड्राइड जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है. और दूसरी बात जो बहुत ही हार्ड होता है वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब वो आसानी से वेपर फेज में नहीं जाएगा. एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टेन स्टेट में. नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस. और चूंकि आयनिक है तो कल मैंने बताया भी था कि हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पूछ सकता है आपसे. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी वजह है आयनिक कंपाउंड. आगे बढ़ें. अगर यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. किसी को ये ना लगे बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट लिख सकते हैं ना. हेलो सर. थैंक यू. बहुत अच्छे आदमी. लिख लिया सारे लोग? सर सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं सर. सर सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के. हाँ अभी सब लिखवाएंगे. कौन नहीं बनाता है वो अभी पहले पढ़े ना भाई. हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं. ये सर. अब गौर से सुनिएगा. क्योंकि केमिकल बॉन्ड आप पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको समझना एकदम आसान है. वो ये है जी. नोट में लिखिएगा. इस ब्लॉक में जितने भी लाइटर एलिमेंट हैं, द लाइटर एलिमेंट या द लाइटर मेटल of S block such as lithium, beryllium, magnesium. अब इसमें भी तो इसमें तो आप ये याद रख लीजिए ये दोनों में तो covalent lattice है. इसमें आप देखिएगा बनाना bonding होता है. BS2 में बनाना bonding होगा. कोवेलेंट है. एल आई एच में तो ये है कि कोवेलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन ड्यू टू फैजान्स रूल. अरे याद है ना. हेलो एवरीवन. यस सर. हाँ तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा एलिमेंट है इस ब्लॉक में जो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता. समझा कि नहीं? तो याद रखेंगे बी एस टू एल आई एच और एम जी एस टू हैव कोवेलेंट नेचर. और ये पॉलीमर ये दोनों में ऐसे तो केमिकल बॉन्ड में आज के पढ़ेंगे. ये दोनों जहां पर मैंने निशान लगाया ये पॉलीमेरिक को. पॉलीमेरिक का मतलब ही यही हुआ ये दिखने में ऐसा है बेसिकली ये है नहीं ऐसा. समझा? आप पढ़िएगा बनाना बॉन्डिंग. बनाना टाइप बॉन्ड बनता है ना. पॉलीमेरिक का मतलब बनता रहेगा. समझ रहे ना? चलता रहेगा. हेलो एवरीवन. अब ये कैसे होता क्या होता वो केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे आप. इसलिए पॉलीमेरिक इन नेचर लिख लें. ये दिखने में बी एस टू है लेकिन ये पॉलीमेरिक होता है. बोलिए कोई डाउट है? हेलो एवरीवन. कोई बोल ही नहीं रहे. समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर.
सर बनाना बॉन्ड वाली साइड दिखाना एक बार। वो बनाना ही नहीं ना, क्यों बनाओगे तुम? अच्छा तो मैंने रफली बताया तो क्यों बनाओगे भाई, तैयारी हो तो जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, अभी बनाना ही नहीं है उसको। ओके हाँ उसको पढ़ेंगे आप। आगे बढ़े हैं। यस सर। यस अच्छा, अब मैं देखता हूँ किसको कितना याद है। अगर यही पूछ दिया जाए LiH NaH ये सब हाइड्राइड है ना, आयनिक हाइड्राइड है ना, बोलिए हाँ या ना। RBH आपको पूछ देगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो बातें बताई गई थी, अगर आयनिक नेचर है तो आपको, आयनिक कंपाउंड है तो आपको क्या था कि भाई लैटिस एनर्जी को देख लेंगे, याद है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अरे कोई चिल्ला भी नहीं, बोलो ना रे भाई, एक ही बच्चा बेचारा चिल्ला रहा है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस तो यही सब है, इसलिए ये सब याद रखना है आपको। तो चलिए एस ब्लॉक के कौन कौन एस ब्लॉक के हाइड्राइड कोवेलेंट लैटिस बनाता है वो सबको समझ में आ गया है ना, है या ना, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। दूसरा हाइड्राइड आइए, ये पहला हाइड्राइड था आयनिक हाइड्राइड, दूसरा लिखिए कोवेलेंट हाइड्राइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अरे किस कौन आलू प्याज बेच रहा है भाई, बंद करो ना आलू प्याज पे। देखिए देखिए शोएब अख्तर म्यूट करो यार, शोएब अख्तर बिहारी, शोएब अख्तर म्यूट करो तुम। चलो तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, बैठे रहो आप। चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड जो बनाता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट बनाता है, कौन सा एलिमेंट बनाता है? द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। अरे बोलो ना कुछ तो बोलो, द एलिमेंट ऑफ यस सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हाँ, और ग्रुप 13 to 18 हाइड्राइड में बनाता है, फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड। अब इसमें लिखिएगा कि भाई इसमें कोवेलेंट है, दैट द रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स। देयर वोलेटाइल they are volatile some substance and low boiling point and does not conduct, ye to conduct karega hi nahi, does not conduct electricity chahe koi bhi state ho। इसका रिडॉक्स छूट गया, ये रिडॉक्स का जो मैंने है भेज दिया है जो बहुत ही पुराना है, अब देखिएगा हमने सीक्वेंस में ही भेजा है, हो सकता है एक दूसरे में मिक्स हो तो उस तरह आप चेक कर लेंगे। ये क्रैश कोर्स का है, लेकिन क्रैश कोर्स में भी से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। जिनका रिडॉक्स छूटा हुआ वो देख लेंगे, इसी में नॉर्मलिटी भी है, एन फैक्टर वगैरह सब इसी में, चार टोटल चार या पांच लेक्चर है, देख लेंगे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं।
यस सर। अब देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड में आसान है 13 to 17, और से सुनिएगा, इसके नीचे नोट लिखिएगा आप कि ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे साथ साथ लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in their compound, तो कोवेलेंट हाइड्राइड फर्दर तीन तरह का होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड आर थ्री टाइप्स, उसमें पहला है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। याद रखने का तरीका, यहाँ देखिए 13 है, 14 है, 15 to 17, याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनाएगा, यानी ऑक्टेट से कम होगा, ये आपके पास जो होगा इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज जितना है उतना ही है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ये तीन कैटेगरी इसलिए की गई। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड का मतलब होता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट, ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड है लेकिन ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड। They do not have sufficient number of electron to form, ऊपर देखे to form, उसके अलावा आगे normal covalent bond लिख देंगे, less than 8 electron होगा, octet rule को follow, octet से कम होगा, लिख लिया सारे लोग? यस सर। एवरीवन नोटेड डाउन सर, दो मिनट। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस। अब आइए कि इसमें ही देखिएगा आप, पढ़िएगा ग्रुप था, ये सब आपको केमिकल बॉन्ड में आएगा, ये लिख लीजिए कि हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 13 जो होते हैं, देखिए नॉर्मल बॉन्ड तो है नहीं, सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, इसीलिए ये पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक का मतलब वही होगा, या तो ब्रिज बनाएगा, या ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा, या बनाना बॉन्डिंग बनाएगा दूसरों से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है जो तुम सुने भी होगे, डाइबोरेन। देखो बोरेन क्या होता है, BH3 होता है, बोलो हाँ या ना, ग्रुप 13 के हाइड्राइड, इसलिए ये जाके डबल हो जाता है और BH3 डबल होके B2S6 बनाता है, विच इज कॉल्ड डाइबोरेन। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, ये डाइमर होगा, इसी में सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट बनाना बॉन्डिंग जो होता है वो B2S6 में होता है, जो ग्रुप 13 में आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में।
वही हाल है, समझा कि नहीं? एल एस थ्री में भी यही हाल, एल एस थ्री को लिखते हैं लेकिन बेसिकली ये सब पॉलीमेरिक फॉर्म में है, एन ये सब पॉलीमेरिक है, क्योंकि जब सफिशियंट नंबर नहीं है तो ये बहुत यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दूसरों के साथ कंबाइन करके पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलिए। यस सर। हाँ जी सर। सर BeH2 होगा। BeH2। बी की बात क्यों पूछ रहे हो यार? बी तो एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक का है। हाँ, सब नशे में हैं। असल में नशा है ना? नशापन है। एस ब्लॉक के हाइड्राइड आयनिक कहलाते हैं। तो आयनिक में भी लाइटर मेटल के हाइड्राइड पॉलीमेरिक होते हैं। ग्रुप 13 के भी हाइड्राइड पॉलीमेरिक होते हैं। ग्रुप 13 के तो सारे हाइड्राइड पॉलीमेरिक होंगे। जनरली सारे हाइड्राइड, सब तो नहीं, जनरली सारे हाइड्राइड होते हैं। आगे बढ़े, बोलिए हेलो एवरीवन। यस, अब आइए कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा टाइप है। एक मिनट, यहाँ कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा टाइप है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, यानी जितना है उतना ही बॉन्ड है, न उससे ज्यादा न उससे कम, प्रिसाइज हाइड्राइड। Exactly, वही है। तो ये ग्रुप 14 के हाइड्राइड जो होते हैं, बस तो याद रखिए ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट। फॉर्मिंग सच टाइप ऑफ जैसे CH4 है, SiS4 है, SiS4 को सिलेन कहते हैं, जैसे अल्केन होता है ना सिंगल बॉन्ड को, PbH4 को पलम्बेन कहते हैं, ऐसे ही आप पढ़िएगा भी पी ब्लॉक में। ये सब में ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, जितना है इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बना। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। यस सर। बहुत अच्छे आदमी। सर एक मिनट। ओके। अब आइए क्या कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड का जो नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन बनाएगा, जल्दी बताओ सारे लोग। अब 13, 14 खत्म, 15, 16, 17। वेरी गुड, ग्रुप 15, 16, 17, वेरी गुड। H2O. Very good. Elements
in p block forming this hydride. क्योंकि सब में लोन पेयर होता है इसीलिए कहा गया. जैसे आपके पास 15 के हाइड्राइड अगर आपको जानना है तो अमोनिया है, PH3 है, ASH3 है, SBS3 है, सब पे लोन पे रहे कि नहीं जल्दी बताइए, हाँ या ना. अच्छा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच कहा गया. ग्रुप 16 है तो आपके पास वाटर है, H2S है, H2SE है, H2TE है, H2PO है, सब पे लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच कहा गया. बॉन्ड भी बन रहा है और एक्स्ट्रा भी लोन पेयर रखे हुआ है. ग्रुप 17 है, HF है, CL है, HBr है, सब पे लोन पेयर है, तीन के लोन पेयर है, ये मैंने आपको. तो देखिए, तो ये हो गया, दो टाइप का हो गया, एक हो गया आयनिक हाइड्राइड, एक हो गया मॉलिकुलर कोवेलेंट. कोवेलेंट हाइड्राइड तीन तरह का होता है. ओवरऑल आयनिक हाइड्राइड भी तीन तरह का, हाइड्राइड भी तीन तरह का, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, तीसरा है मेटालिक हाइड्राइड. लिख लिया सारे लोगों ने इसको? नो सर, एक मिनट, पूरी चीज लिख लीजिए. एग्जाम्पल भले आता हो फिर भी आप नोट्स बनाइए अच्छे से. डन सर, थैंक यू. अब आइए तीसरा टाइप जो है मेन हाइड्राइड, जो तीसरा टाइप है उसको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड. तो देखिए, एस ब्लॉक का मामला खत्म, पी ब्लॉक, अब क्या बचा, डी एंड एफ बचा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना. जी सर. हाँ, तो वही हाइड्राइड को मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं. तो पहले लिखिए, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड This type of hydride is mainly formed by D and F block. This hydride is not सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल कंपाउंड की तरह नहीं होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के फॉर्म में होता है. दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक इन नेचर. इसका क्या मतलब है पहले लिख लीजिए आप. लिख लिया सर, सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन. यस, यस सर. ठीक है, आप देखिए इसमें मेटालिक हाइड्राइड में तो आपको इसमें देखिए डी ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप होते हैं ये पहले मुझे बताइए. समझा कि नहीं, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है. अच्छा, डी ब्लॉक में कहां से कहां ग्रुप होते हैं ये अब तक कोई नहीं बता रहा यार. 3-12 नहीं होता है, पढ़े नहीं सर. 3-12 जैसे लैंथेनम हाइड्राइड, लैंथेनम हाइड्राइड इस तरह भी पाया जाता है और इस तरह 2.8 से, यही होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. समझा कि नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में पाया जाता है लेकिन जनरली ये जो ऑलवेज जो होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, हाइड्रोजन
के अंदर वन से कम या वन से ज्यादा हो सकता है। इटीरिया इटीरबियम वाई भी पढ़े हो ना एफ ब्लॉक में, तुम लाजवाब लगती हो जिसमें मैंने लिखवाया yes, था। हाँ 2.55 यस सर। हाँ यस सर। ये सब जो है ना टी आई एच 1.5 से 1.8, जर्कोनियम हाइड्राइड 1.3 से 1.75, इसलिए इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक कहा गया। और भाई इसको इंटरस्टीशियल भी कहते हैं, इंटरस्टीशियल में आ जाते हैं, इसका दूसरा नाम भी लिख लेना इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। तो याद रखना मेटालिक हाइड्राइड जो होते हैं वो इंटरस्टीशियल हाइड्राइड होते हैं, डी और एफ ब्लॉक बनाते हैं। बोलिए लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। जैसे अगर आपसे इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेटालिक हाइड्राइड में, मैं इसलिए नोट लिखा रहा हूँ। देखिए 3 to 12 होता है, इसमें याद रखिएगा ग्रुप 7, 8, 9 एलिमेंट, मैं जानबूझ के लिख देता हूँ इन डी ब्लॉक। डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड नहीं बनाते, पूछ देगा डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। इसी को केमिस्ट्री में कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। इसको कौन क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप। यस हाँ, वही पूछेगा कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक का नहीं बनाता, हाइड्राइड गैप क्या है। तो हाइड्राइड गैप का मतलब ही हुआ कि नहीं बनाता है, इसलिए गैप, इसलिए याद रखेंगे 3 to 12 में 7, 8, 9 के ग्रुप के एलिमेंट नहीं बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। समझ में बात आई? हाँ या ना सर? एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिएगा, एग्जांपल छूट गया था। ओके हाँ लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए, ये है ये है, और सारे एग्जांपल हैं ईटीसी। हो गया सर। अच्छा उस दिन चूंकि लिख लिया सारे लोग, हाँ है ना? Yes. एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो जनरली पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जानिए एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। मुझे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, चूंकि उस दिन 3-4 बच्चे को मैंने 11th का ज्वाइन करवाया था इसलिए नहीं बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, याद है ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, कोकुलेटेड हाइड्रोजन लिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर। तो याद रखिएगा होता क्या है कि ऑल नॉट ओनली हाइड्रोजन, ऑल होमो न्यूक्लियर, और से सुनिएगा ऑल होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग न्यूक्लियाइड विथ, मैं समझा दूंगा आपको, विथ नॉन जीरो स्पिन, आर एक्सपेक्टेड टू शो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। कौन सा आइसोमर? न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। हाँ स्पिन आइसोमर। Again, all homonuclear, जैसे उसमें कौन कौन आ गया भाई? H2 आ गया,
डी टू आ गया, टी टू आ गया, एन टू आ गया, ओ टू आ गया, ये सब एक्सपेक्टेड टू शो. हम हाइड्रोजन का पढ़ेंगे लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक आध दफा पूछा जा चुका है. ऑल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग न्यूक्लियाइड्स विथ नॉन जीरो स्पिन आर एक्सपेक्टेड टू शो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर. पहले ये लाइन लिख लीजिए जल्दी से. एक को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, एक को कहते हैं पैरा हाइड्रोजन. क्या नाम है उसके बेसिस पर जल्दी बताइए. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन. हाँ, उसमें न्यूक्लियस का स्पिन होता है. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का स्पिन. लेकिन डायटोमिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस भी अपने जगह पर थोड़ा सा मूव करता है, उसका भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है. ये कहाँ होता है, इसलिए हाइड्रोजन का ना लिखा कर मैं हाइड्रोजन का लिखाता तो आपके पास क्वेश्चन होता कि सर सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, इसलिए ये लाइन लिखा दिया गया. ऑल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. लिख लिया तो बताइए. यस सर. यस सर. इसमें पहला है ऑर्थो हाइड्रोजन. पहले ऑर्थो हाइड्रोजन, when the two nuclear spin are parallel and resultant nuclear spin is one. This one ortho कहते हैं. आपको मालूम है ना हाइड्रोजन H2 जो है इस तरह ओवरलेप करके बनता है. हाँ या ना जल्दी बताइए. उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं इस तरह, और ये आपके पास न्यूक्लियस है मान लीजिए, ये भी न्यूक्लियस है. हेलो एवरीवन. यस सर. तो बस दोनों का डायरेक्शन सेम है क्लॉकवाइज, या दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन करे तो इसको ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं. कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं इसको, ऑर्थो हाइड्रोजन. न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन करता है. अरे कुछ तो बोलिए. हेलो एवरीवन. यस सर. अच्छा ऐसे भी तुम ऑर्गेनिक में पैरा हो ना, पैरा किसको कहते हैं, एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में अपोजिट में जो होता है उसको पैरा कहते हैं. हाँ या ना. जी सर. तो बस पैरा, पैरा में इसी तरह उल्टा याद रखो, पैरा में वेन टू न्यूक्लियर स्पिन आर एंटी पैरेलल और रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा. जैसे इसमें भी है ना अपोजिट है, तो इस तरह याद रखने का तरीका है कि पैरा में जीरो. ठीक है. अरे बोलिए. जी सर. हाँ ये लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बताएं. Yes, sir. इसके बारे में बताएंगे कि रूम टेम्परेचर पर कौन पाया जाता है. पहले तो आप डिफिनेशन पढ़ लें. तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको याद रखना है कि आ सकता है पैरा हाइड्रोजन. व्हेन, वही है, उल्टा ही लिख दीजिएगा. व्हेन टू, एक को पर ये दूसरा आ जाएगा. व्हेन द टू न्यूक्लियर स्पिन are anti-parallel, याद रखने का तरीका opposite होता है, and the resultant nuclear spin is zero. ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है. अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर स्पिन जीरो. आया समझ में?